गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कार्य तथा समय के क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने कार्य तथा समय पर दो क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल कांसेप्ट के साथ आपको कराता हूं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। डियर स्टूडेंट, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल कांसेप्ट और ट्रिक के साथ बताता हूँ। मैं इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ कि कार्य तथा समय के किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। बस आप कॉन्सेप्ट को 1 से 2 बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो 100% गारंटी के साथ कार्य तथा समय से किसी भी बुक से उठाकर क्वेश्चन देख लो, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, 100% गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं है। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगता है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में भी तैयारी करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको तैयारी करवाता हूं। डियर स्टूडेंट, आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के माध्यम से केवल यूट्यूब से 150+ स्टूडेंट का सिलेक्शन मैंने करवाया है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी क्लासेस हमारी होती है टोटल क्लासेस यूट्यूब पर होती है, हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है ना तो कोई ऐप है। तो जिस भी स्टूडेंट को आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करना है वो हमारे चैनल ओटी स्टडी पॉइंट से जुड़ सकता है। डियर स्टूडेंट, मैं इस तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ कि ऐसा आपको कंटेंट पेड कोर्स का चाहे 999 का ले लो, चाहे 1399 का ले लो, चाहे 799 का ले लो, कहीं भी ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो बिल्कुल ध्यान से आप प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस प्रकार से है, एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी के क्षरण के कारण टंकी को भरने में 7/2 घंटे लगते हैं। क्षरण टंकी के भरे पानी को निकाल सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि कोई एक विद्युत पंप है जो कि एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, और टंकी में एक क्षरण है, टंकी में एक लीकेज है, जिसके कारण टंकी को भरने में 7/2 घंटे लगते हैं। तो आपको यह बताना है कि पूरी टंकी को खाली करने के लिए क्षरण को कितना टाइम काम करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, मैं मान लेता हूं कोई आपका एक विद्युत पंप ए है जो कि टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में क्षरण के कारण जो टंकी भरती है 7/2 घंटे यानी कि 3.5 घंटे में भरती है। तो मैं मान लेता हूं कि टंकी में एक क्षरण आपका बी है, तो इस क्षरण के कारण टंकी जो है अब भरती है 3.5 घंटा में, क्योंकि 7/2 3.5 घंटे के बराबर होता है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला कि एक आपका विद्युत पंप ए है जो कि टंकी को 3 घंटे में भर देता है, और जब टंकी में एक क्षरण होने के कारण वही टंकी आपका 3.5 घंटे में भरती है। तो मैं मान लेता हूं कि जो क्षरण वाली पाइप है वो आपका बी है, तो वह टंकी को खाली कर रही है, इसलिए मैंने इसको माइनस से डिनोट किया। अब देखिएगा टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, तो 3 और 3.5 का एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 10.5, ठीक है।
अब देखिएगा जब 3 से आप 10.5 में भाग दोगे तो आपको ए की क्षमता मिलेगी जो कि आपको मिलेगा 3.5। वहीं पर जब आप 3.5 से 10.5 में भाग दोगे तो आपको ए माइनस बी की क्षमता मिलेगी जो कि आपको मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि जब आपका विद्युत पंप ए काम कर रहा था तो एक घंटे में 3.5 की रेट से काम कर रहा था। जब आपका विद्युत पंप ए काम कर रहा था तो एक घंटे में 3.5 भाग भर रहा था, लेकिन टंकी में क्षरण के कारण वही टंकी जो है ए और माइनस बी यानी कि विद्युत पंप ए और क्षरण बी जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक घंटा में केवल और केवल 3 भाग भर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका क्षरण वाला बी है ये आपका 1/2 की रेट से खाली कर रहा होगा, क्योंकि 3.5 को विद्युत पंप ए का है, लेकिन जब ए माइनस बी यानी क्षरण बी भी जब साथ काम कर रहा है तो 3 घंटे लगते हैं, यानी कि केवल 3 भाग पड़ता है, यानी कि जो आपका बी है क्षरण वह 1/2 के रेट से टंकी को खाली कर रहा होगा। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए टंकी की क्षमता है 10.5, इस 10.5 को 1/2 की रेट से क्षरण वाला पाइप इसको पानी निकालेगा। तो देखना 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 10.5 × 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 21 घंटा, यानी कि क्षरण के कारण टंकी को पूरी तरह से खाली करने में 21 घंटे लग जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चंस के लैंग्वेज को आपको समझना है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को भी। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार से है, 24 पुरुष और 15 लड़के एक कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुषों की संख्या हम आधी कर दे और लड़कों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो पुरुष और लड़के मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, जबकि एक पुरुष का कार्य है लड़के के कार्य का 1.5 गुना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को हम सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। देखिएगा बोला है एक 24 पुरुष और 15 लड़के एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। लो भैया 24 पुरुष यानी कि 24 मैन और 32 लड़के एक कार्य को जो है 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 24 पुरुष है, 15 लड़के हैं, एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि पुरुषों की संख्या आधी कर दे और लड़कों की संख्या दोगुनी कर दे, तो चलो भैया पुरुषों की संख्या आधी कर दे तो पहले 24 पुरुष थे, जब पुरुषों की संख्या आधी करोगे तो 12 पुरुष हो जाएंगे, और लड़कों की संख्या दोगुनी करना है तो 15 लड़के थे, अब कितने हो जाएंगे, 30 लड़के हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि वही कार्य कितने दिन में होगा। तो मैं मान लेता हूँ वह कार्य आपका डी दिनों में होगा, जब पुरुषों की संख्या हम आधी कर देते हैं और लड़कों की संख्या हम दोगुनी कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि पुरुष की कार लड़के की कार का 1.5 गुना है, जो पुरुष का वर्ग है लड़के का 1.5 गुना है। तो देखना जो पुरुष का काम है डियर स्टूडेंट लड़के का 1.5 गुना है, यानी कि हम m/b की वैल्यू निकाले तो 1.5/1 आएगा, यानी एक पुरुष की कार्य क्षमता जो है वो 1.5 है और एक लड़के की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 है। यहाँ तक आपको क्लियर है, यानी कि एक पुरुष जो है एक दिन में 1.5 काम करता है और एक लड़का जो है एक दिन में 1 काम करता है। अब m और b की वैल्यू रख दो तो देखो क्या हो जाएगा, 24 m की वैल्यू 1.5 प्लस 15 b की वैल्यू 1 रखोगे तो 15 ही रहेगा, फिर इनटू का 32 है तो 32 रख देना है, फिर देखना 12 × 1.5 प्लस b की वैल्यू 1 है तो 30 × 1 करोगे 30 हो जाएगा, इनटू का आपका d हो जाएगा।
अब देखो ना 24 गुणे डेढ़, 24 डेढ़ कितना होता है, 24 डेढ़ आपका हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस का 15 गुणे का 32 बराबर आपका हो जाएगा 12, डेढ़ कितना होता है 18, और 18 में 30 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा डी। तो यहां से देखा ना 36 और 15 आपका हो जाएगा 51 गुणे 32 बराबर आपका हो जाएगा 48 डी। 16 से काट लो, 16 3 48, 16 2 32, 3 से काट लो तो 17 3 51 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 17 2 34, यानी कि 34 दिन में यदि पुरुषों की संख्या हम आधी कर दे और बच्चों की संख्या दोगुनी कर दे तो 34 दिन में वही कार्य आपका कंप्लीट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन के कांसेप्ट को अच्छी तरीके से समझना था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अभी से आप IIRT एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए लग जाइए, क्योंकि जैसे ही समय बीतता जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा और लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। आपको यह सोचना ही ना पड़े कि हमको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ये सोचना ही ना पड़े। इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आप टॉप 100 रैंक के अंदर लाए और IIRT कॉलेज में जिस ब्रांच से आप एडमिशन लेना चाहें उस ब्रांच से आप एडमिशन ले लें। इस तरीके से आपको तैयारी करना है, तो समय को बिल्कुल ना वेस्ट कीजिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको सारी चीजों को कवर करते हुए चलूंगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसे पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 को भी, क्वेश्चन नंबर 23 में ऐसा बोला गया है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो लो भैया, 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 दिन में पूरा करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के, कितने, 2 पुरुष और 4 लड़के उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो आपको यह बताना है कि 10 पुरुष और 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 1 पुरुष और 1 लड़के की क्षमता निकाल लेते हैं, तो 4 से गुणा करो तो 16m प्लस का 24b बराबर 7 × 14m प्लस का 28b, ठीक है। अब देखना 16m में से 14m घटाओगे तो मिलेगा आपको 2m बराबर 28b में से 24b घटाओगे तो मिलेगा आपको 4m। तो यहां से 2 से कैंसिल कर दो, 2 × 4 तो m बटे b की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 2/1, यानी 1 पुरुष की क्षमता 2 है और 1 बच्चा की जो क्षमता है वो आपका 1 है। अब m और b का मान यहाँ चाहे यहाँ रख के आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकाल लो 4m, 4m की वैल्यू 2 लेना है प्लस का 6, बी की वैल्यू आपको 1 ले लेना है और इंटू का आपको है 4, तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 4 × 8 = 14, 14 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल वर्क है 56 है। इस 56 काम को करने के लिए कितने, 10 पुरुष और 8 लड़के लगाए जा रहे हैं, कितने, 10 पुरुष लगाए जा रहे हैं और 8 लड़के लगाए जा रहे हैं। तो देख लो कितने दिन में, ये 56 काम है, 1 पुरुष की क्षमता 2 है तो 10 × 2 हो जाएगा प्लस का 1 लड़के की क्षमता 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखना 56 है तो 56 10 × 20 = 28, तो 28 से आप 56 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 10 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा,
क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24। प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को मैं बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर सकता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 को भी। बोला है कि पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में, कोई एक पवन लड़का है जो कि एक कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है और पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में, यानी कि जब पवन जो है पंकज के साथ मिल जाता है, पवन जो है पंकज के साथ मिल जाता है तो वही कार्य 15 घंटे में पूरा होता है। तो आपको यह बताना है कि पंकज अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आपका 30 और 15 का एलसीएम आपका आ जाएगा 30। अब देखना जब आप 30 से भाग दोगे 30 को तो एक बार जाएगा और यहाँ पर जब आप 15 से भाग दोगे तो 30 को तो दो बार जाएगा। तो यदि पवन का यहाँ पर एक कार्य क्षमता है और पवन और पंकज की दो कार्य क्षमता है, तो यदि पवन का एक होगा तो पंकज का भी एक होगा, क्योंकि पवन और पंकज की कार्य क्षमता दो है, तो पवन का यदि एक है तो पंकज का भी एक है। तो टोटल काम है आपका 30, इस 30 काम को एक इधर से करने में कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे। इस तरीके से पंकज उस पूरे काम को करने में 30 घंटे का समय लेगा, कितने घंटे का, 30 घंटे में पंकज जो है उस पूरे काम को कर लेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30 घंटे में अकेले पंकज उस काम को कर लेगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, सारे कांसेप्ट में क्लियर करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं, यदि तब शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि जो मजदूरों की मूल संख्या है वो आपका x है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि जो मजदूरों की मूल संख्या है वो आपका x है। तो क्वेश्चन में बोला है कि मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं मजदूरों की जो मूल संख्या है वह x है, या कि या यह भी कह सकते हैं मजदूरों के समूह में जो मजदूरों की संख्या है उसको मैंने मान लिया x है। तो x मजदूर जो है किसी काम को 10 दिन में करने का आश्वासन देते हैं। फिर होता क्या है, इस x मजदूर में से 5 मजदूर अनुपस्थित हो जाते हैं, कितना, इस x मजदूर में से 5 मजदूर अनुपस्थित हो जाते हैं तो वही कार्य आपका 15 दिन में समाप्त होता है। तो आपको यह बताना है कि मजदूरों की मूल संख्या कितनी है, यानी कि x की वैल्यू बताना है। तो 10x बराबर आपका हो जाएगा 15x माइनस का 75, तो देखो 15x में से 10 से घटाओगे तो 5x बराबर आपका हो जाएगा 75, 5 से काट लो तो 15 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15, यानी कि मजदूरों की जो मूल संख्या है वो आपका 15 है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मजदूरों की जो मूल संख्या थी वो आपका 15 था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को भी। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और साधारण है, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा कि हर क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगेगा। मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ सकते हो। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 को, बोला है ए बी और सी क्रमशः एक कार्य को 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों साथ मिलकर वह कार्य पूरा करके रुपया 360 कमाते हैं, यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है तो सी की आमदनी कितनी है ये आपको बताना है,
यानी कि 360 रुपया में सी को कितना पैसा मिलेगा ये आपको बताना है। तो देखना विद्यार्थी स्टूडेंट, ए बी सी एक कार्य को 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को 12 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। इस कार्य के बदले इनको 360 रुपया दिया जाता है। तो आपको यह बताना है कि सी को कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 60 आएगा, यानी टोटल वर्क आपका 60 है। अब 12 से भाग दो तो 60 दो तो 5 आएगा, यानी ए की कार्य क्षमता 5 है। और 15 से भाग दोगे 60 को तो 4 है, यानी कि बी की जो कार्य क्षमता 4 है। अब जब 20 से भाग दोगे 60 को तो 3 आएगा, यानी सी की जो कार्य क्षमता है वो आपका 3 है। यहां तक सबको क्लियर है, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, और सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलाकर के कितना काम करते हैं, 5 4 9 3 12, यानी कि इस 12 काम करते हैं तीनों मिलाकर के। इस 12 काम के बदले इनको 360 रुपया दे दिया जाता है। तो देखना एक काम के बदले कितना मिलेगा, 12 3 36, यानी एक काम के बदले इनको 30 रुपया दिया जाता है। कितना रुपया, 30 रुपया दिया जाता है। तो आपको यह बताना है सी की आमदनी कितनी है। तो सी कितना काम कर रहा है, 3 काम, एक काम के बदले 30 रुपया, तो 3 काम के बदले 90 रुपया, यानी कि 90 रुपया जो है सी को मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी को 90 रुपए मिल जाएंगे। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझते जाइए। प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को मैं बिल्कुल साधारण तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। मैं इस तरीके से क्लियर करा दूंगा कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का डाउट ही नहीं रह जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को बोला है, 3 नल किसी टैंक को 10 15 तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल खोल दिए जाते हैं, 3 मिनट पश्चात तीसरा नल बंद कर दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। टैंक भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि 3 नल आपके ए बी और सी के रूप में है, जो कि किसी टैंक को 10 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं। कितना, 10 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं। फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 3 मिनट के बाद जो आपका नल सी है उसको मैं बंद कर देता हूं। तो आपको बताना है कि टंकी आखिर भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले बाबू आप टंकी की क्षमता निकालो, तो 10 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो 90 आएगा, यानी कि जो टंकी की क्षमता है वो आपका 90 है। अब जब 10 से भाग दोगे 90 को तो 9 आएगा, और जब 15 से भाग दोगे 90 को 6 आएगा, और जब 18 से भाग दोगे 90 को तो 5 आएगा। यानी एक एक कार्य करने की जो क्षमता है 9 है, बी का 6 और सी का 5 है। यहां तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक साथ 3 मिनट तक काम करते हैं। तो लो भैया, ए बी और सी मिलकर के 3 मिनट तक काम करते हैं, उसके बाद से सी जो है बंद कर दिया जाता है। तो लो भाई, सी बंद कर दिया। अब कौन काम करेगा, अब केवल और केवल ए और बी काम करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि केवल जब ए बी सी 3 मिनट काम किए फिर सी बंद कर दिया, तो ए बी जो है शेष टंकी के पानी को भरने में एक्स मिनट का टाइम लेंगे, तो आपकी टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा, मैं नहीं क्या बोल रहा। ए बी सी तीनों तो 3 मिनट तक साथ काम करते हैं, फिर सी बंद कर दिया जाता है। ए भी मैं मान लेता हूँ एक्स मिनट में उस टंकी के बचे भाग को भर लेंगे, तो आपकी पूरी टंकी का 90 भाग भर जाए। ठीक है, अब देखना ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, तो 9 6 15 5 20, यानी ए बी सी की क्षमता 20 गुणे 3 प्लस का ए इन प्लस का बी इन टू का एक्स बराबर आपका हो जाएगा 90। अब देखना 20 किया 7, तो 90 में से 7 घटाओगे तो 30 मिलेगा, यानी कि ए प्लस बी इनटू का एक्स बराबर आपको मिल जाएगा 30। अब ए और बी की क्षमता कितनी है,
ए और बी दोनों की जो क्षमता विकारक कितनी है, 9, 6, 15, तो ए आपको हो जाएगा 15x = 30, 15 से काट दो तो 2 बार में जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। तो इस तरीके से ए भी 2 मिनट तक काम किए हैं और ए भी सी 3 मिनट तक काम करेंगे तो टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, तो टोटल कितना मिनट लग रहा है, 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में टंकी जो है पूरी तरह से भर जाएगी जिसमें ए बी सी 3 मिनट तक साथ काम किए हैं। उसके बाद से जब आप सी बंद कर देते हैं तो ए भी 2 मिनट तक काम करेंगे तो स्वयं टंकी भर जाएगी, यानी 5 मिनट में पूरी तरह से टंकी लबालब हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका है डियर स्टूडेंट, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा, यह आपको बताना है। एक कोई नल है जो कि टंकी को 6 घंटे में भरा जाता है, फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि जब टंकी आधी भर दी जाती है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी टाइप के हम 3 नल और चालू कर देते हैं तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। एक नल मैं मान लेता हूं आपका x है जो कि किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, एक नल मैं मान लिया x है जो कि किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में आपका x/6 बार भरेगा, x ना मान करके इसको आप 1 ही मान लो, चलो x ही मान लेते हैं, यानी कि 1 घंटे में x/6 बार जो है भरेगा, ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। क्यों, क्योंकि टंकी x जो है 6 घंटे में टंकी को भर सकता था, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, x/6 बार। अब बोला जा रहा है इसी टाइप के हम 3 नल और खोल देते हैं तो x/6 पहली आपका नल तो था ही, इसी प्रकार के 3 नल और खोल दो तो x/6 + x/6 + x/6 3 नल और खोल दिया, तो देख लेता हूं कि जब 3 नल और मैं खोल देता हूं तो कितना भाग करते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4x/6, यानी कि यदि 3 नल और खोल दिए जाए 4x/6 की रेट से टंकी को भरेंगे, तो आधा भाग कौन भराता, आधा भाग तो टंकी भर जाने के बाद 3 नल और खोले जाते हैं, यानी कि यदि टंकी को पूरी भरने में 6 घंटा लगता है तो आधा भाग भरने में कितना घंटा लिया होगा, 3 घंटा, तो यह आधा भाग भरने में, जब टंकी आधी भर जाती है तो 3 नल इन्होंने और खोल दिया उसी टाइप का, तो लोग खोल दिया, तो देखना टंकी के आधे भाग को, टंकी के आधे भाग को 4x/6 की रेट से भरेंगे, तो देखो साल का कितना आया, 6/8 आएगा, x आएगा, और इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए 7 से भाग कर देते हैं, ठीक है, तो 4 × 8 और 15 × 4 = 60 और 2 × 3 = 6 कितना, 15 × 3 = 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट में जो शेष आधी टंकी खाली है पूरी तरह से भर जाएगी, यानी कि जो आधी टंकी को और भरने के लिए 45 मिनट और लगेंगे, कब, जब 3 नल उसी प्रकार के और खोल दिए जाएंगे तब, तो टोटल समय कितना लगा, 3 घंटा यहाँ पर और 45 मिनट यहाँ पर, यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा 3 घंटा 45 मिनट टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 और 32, यानी कि लास्ट के 4 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को बोला है कि 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन पश्चात 3 आदमी और चले गए तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको बताना है।
तो देखना ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है कि तीन आदमी जो है किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद से बोला गया है उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ जाते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिनों तक तो 3 आदमी ही काम किए हैं, 2 दिनों तक तो 3 आदमी काम किए हैं, फिर उनके कार्य आरंभ करने के बाद 3 आदमी और चले आए, तो 3 आदमी पहले थे ही, 3 आदमी और चले आए, यानी कि अब 6 आदमी जो है शेष काम को मैं मान लेता हूँ एक्स दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा। बोला है 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 2 दिन कार्य करने के पश्चात, यानी कि 3 आदमी जो है 2 दिन तक तो एक साथ करते हैं, 2 दिन कार्य करने के पश्चात 3 आदमी और चले आते हैं, तो 3 आदमी पहले थे, 3 आदमी और आ गए, यानी कि 6 आदमी हो गए। तो मैं मान लिया कि 6 आदमी जो है शेष काम को एक्स दिन में कर लेंगे। तो देखना यहाँ पर 18m बराबर 6m प्लस 6m इनटू कर 18m से 6m लगाओगे कितना मिलेगा 12m बराबर 6m गुणे का एक्स हो जाएगा। 6m दो बार में जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितना है 2d, यानी कि शेष काम जो है 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना सिंपल और साधारण और आसान आसान है। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बता रहा हूं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 60 व 75 मिनट में भर सकते, एक तीसरा नल टैंक को खाली करता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो आपका 50 मिनट में जो है भर जाता है। जितने समय में तीसरा नल टंकी को खाली करेगा वह समय क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि 2 नल हैं जो कि किसी टंकी को 60 मिनट व 75 मिनट में भर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टंकी में एक तीसरा नल भी है जो कि टैंक को खाली करता है, तो जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो जो आपकी टंकी है 50 मिनट में भरती है। तो आपको यह बताना है कि जो खाली करने वाला पाइप है, जो आपका तीसरा नल खाली करने वाला है, वो टंकी को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो देखना बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। मैं मान लेता हूँ कि नल ए है जो कि टंकी को 60 मिनट में भरता है, और दूसरा नल डी है जो कि टंकी को 75 मिनट में भरता है, ठीक है। एक तीसरा नल भी है जो कि टंकी को क्या करता है, खाली करता है। तो जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में 50 मिनट का समय लगता है। तो ए और बी तो टंकी को भर रहे हैं, और एक तीसरा नल सी है जो कि टंकी को खाली करता है। तो जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी जो है 50 मिनट में भरती है। तो आपको यह बताना है कि जो खाली करने वाली नल है सी, वो टंकी को पूरी तरह से कितने समय में खाली करेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, तो 60, 75 और 50 का एलसीएम निकालोगे तो 300 है, यानी टंकी की क्षमता आपका 300 है। अब 60 से भाग दोगे 300 को तो 5 आएगा, उसी प्रकार से 75 से भाग दोगे 300 को तो 4 आएगा, उसी प्रकार से 50 से भाग दोगे 300 को तो कितना आएगा 6। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखना, ए की क्षमता कितना है 5 है, बी की क्षमता कितना है 4 है। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि सी की क्षमता 3 होगा, यानी सी जो है 3 की रेट से टंकी को खाली कर रहा होगा, इसी वजह से ए प्लस बी और माइनस सी की जो टोटल क्षमता है वो आपका 6 हुआ होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि ए की 5 वैल्यू है और बी का 4 है और ए प्लस बी माइनस सी का 6 है, यानी कि जो सी के कार्य करने की क्षमता है वो आपका 3 होगा। तो देखना टंकी की क्षमता है आपका 300, इस 300 बात को 3 की रेट से सी जो है खाली करेगा कितना मिनट लेगा 100 मिनट लेगा, यानी 100 मिनट में टंकी जो है पूरी तरह से खाली कर देगा। कौन?
खाली करने वाला नल सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका है कि तीन पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तथा पाइप ए व पाइप बी शेष टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी अकेला टंकी खाली करने टंकी का 1/2 भाग भरने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, बोला है कि तीन पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो लो भैया तीन पाइप हैं ए बी और सी, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, 2 घंटे बाद जो है पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है यानी कि 2 घंटे तक तो तीनों पाइप एक साथ काम किए, 2 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है यानी कि तीनों पाइप मिलकर के 2 घंटे तो एक साथ काम की। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तथा पाइप ए व पाइप बी शेष टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। जब सी को ए बंद कर देते हैं तो पाइप ए और बी जो है शेष टंकी को 7 घंटे में भर सकते हैं। तो आपको यह बताना है कि जो आपका पाइप सी है टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 6 भाग है ए प्लस बी प्लस सी का, यहाँ पर 2 भाग है ए प्लस बी प्लस सी का, तो 6 भाग में से 2 भाग बताओगे कितना भाग बचेगा, 4 भाग, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 4 भाग बढ़ेगा बराबर आपका है ए प्लस बी इंटू का सी। यहाँ से आप ए प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 7 बटे का 4, यानी ए प्लस बी की क्षमता 4 है और a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो आपका 7 है। तो यदि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7 है तो a प्लस बी की क्षमता 4 है, तो यानी c की क्षमता कितनी होगी, c की क्षमता 3 होगी, क्योंकि यदि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 3, यानी c की जो क्षमता है वो आपका 3 है। अब हम टोटल वर्क निकाल देते हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा देखना, टोटल वर्क कितना आएगा, तो देखो ए बी और सी की क्षमता कितनी है, 7, तो 7 रख दिया ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर, गुणे 6 है तो 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी टोटल वर्क जो है वो आपका 42 है। टोटल वर्क आपका है 42, इस 42 के आधे भाग को, तो 42 का आधा कितना होगा 21, इस 21 भाग को सी अकेला भरने में कितना समय लेगा, तो सी की क्षमता 3 है तो 3 × 21 यानी 7 घंटे में सी जो है टंकी के आधे भाग को, 7 घंटे में सी जो है टंकी के आधे भाग को भर देगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चेक आउट कर लेता हूं, देखना सी की क्षमता तो 3 ही आएगी, अब टोटल वर्क कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का 7 × 6 यानी कि 42 आएगा। टंकी के आधे भाग को भरवाना है यानी कि 42 का आधा भाग 21 होगा और इस 21 भाग को भरने के लिए सी जो है 3 की रेट से भरेगा तो 3 × 21 यानी 7 घंटा में भरेगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 जो कि हमारे द्वारा सॉल्व कराने का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, 5 पुरुष तथा 3 लड़के 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं, 23 पुरुष तथा 2 लड़के 7 एकड़ खेत को 2 दिन में जोत सकते हैं, तो कितने लड़के 7 पुरुषों के साथ 45 एकड़ खेत को 6 दिन में जोत लेंगे ये आपको बताना है। तो देखता हूं कितने दिन में जोत लेंगे, तो देखना बोला है कि 5 पुरुष और 3 लड़के, ये जो क्वेश्चन है एमडीएच पर है, देखना M1, D1,
h1 बटे का w1 बराबर आपका होता है m2 d2, h2 बटे का आपका होता है w2। ठीक, पांच पुरुष तथा तीन लड़के, पांच पुरुष तथा तीन लड़के यानी m1 की वैल्यू 5 m प्लस का 3 भी हो जाएगा। ठीक है, 23 एकड़ खेत को, तो जो आपका 23 एकड़ है ये आपका वर्क है यानी W1 की जो वैल्यू है वो आपका है 23। 23 एकड़ खेत को 4 दिन में जो सकते हैं यानी D1 की वैल्यू आपका है 4। यहाँ तक आपको क्लियर? फिर क्वेश्चन में बोला है कि तीन पुरुष तथा दो लड़के यानी M2 की जो वैल्यू होगी, तीन पुरुष और दो लड़के 7 एकड़ खेत को 2 दिन में जोतते हैं यानी W2 की वैल्यू आपका 7 है और जो D2 की वैल्यू वो आपका 2 है। तीन पुरुष और दो लड़के 7 एकड़ खेत को 2 दिन में जोतते हैं, तो देखना हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 × 14 हो जाएगा। अब 14 का गुना बैकग्राउंड कर दो तो 14 × 5 = 70 एम प्लस का 42 बी बराबर 23 का गुणा करो इसमें तो 23 किया कितना हुआ 69 एम प्लस का 46 बी। अब देखना 70 एम में से 69 एम घटाओगे तो एम बचेगा और 46 बी में से आप 42 बी घटाओगे तो 4 बी बचेगा। यहां से एम और बी की आप क्षमता निकालो तो 4/1 आएगा, एम की क्षमता 4 और बी की क्षमता 1 हो जाएगा। आपको यह बताना है कि 7 पुरुषों के साथ 45 एकड़ खेत को जोतने के लिए 6 दिन में 45 एकड़ को खेत को जोतने के लिए 7 पुरुषों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो देखना कितना हमको जोतना है बाबू, 45 एकड़ खेत ये क्या दे रहे हैं, 7 पुरुष दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कितने लड़कों की जरूरत होगी। तो मैं मान लेता हूँ एक्स लड़के जो है 7 पुरुषों के साथ यदि 6 दिनों तक काम करते हैं तो 45 एकड़ खेत जोत लेंगे। 7 पुरुषों के साथ यदि एक्स लड़के 6 दिनों तक काम करते हैं तो 45 एकड़ खेत जोत लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज और आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एक एकड़ में कितना काम करना पड़ता है ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो हम m और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखना हम आते हैं फिर पहली लाइन पर, क्या बोला है कि 5 पुरुष और 3 लड़के, तो लो भैया 5 पुरुष और 3 लड़के जो है यदि 4 दिनों तक काम करते हैं तो आपका 23 एकड़ के जोता जाता है। अब m और b की वैल्यू रखो तो m की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, तो 5 × 4 प्लस का b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा और गुणे का 4 बराबर आपका हो जाएगा 23। अब देखो 5 × 4 = 23 से ये 23 आपका कैंसिल आउट होगा, एक एकड़ है ठीक है 23 एकड़ है यानी एक एकड़ खेत को जोतने के लिए 4 यूनिट काम करना पड़ रहा है। एक एकड़ खेत को जोतने के लिए 4 यूनिट काम करना पड़ रहा है। अब देखो सिंपल हो गया क्वेश्चन, 45 एकड़ की बात हुई है तो एक एकड़ को जोतने के लिए 4 यूनिट काम करना पड़ रहा है तो 45 को जोतने के लिए कितना, 45 × 4 है बराबर m की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 रख दो तो m की वैल्यू 4 रखेंगे तो 7 × 4 = 28 प्लस का x भी गुणे का 6 हो जाएगा। अब 3 से काटो 3 × 6 अब 15 × 45 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 × 4 तो 15 × 30 बराबर 28 प्लस का एक्स भी। अब देखो 30 में से 28 आएगा तो 2 हो जाएगा यानी बी की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2 आएगा, सॉरी एक्स की जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जो बी का मान है वो आपका 1 है तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2 आएगा। यानी कि यदि 7 पुरुषों के साथ हम 2 लड़के 6 दिनों तक काम करेंगे तो 45 एकड़ खेत जोत लेंगे। कब? 7 पुरुषों के साथ यदि 2 लड़के काम करेंगे 6 दिनों तक तो आपका 45 एकड़ खेत जोता जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर
बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि दो लड़के और लगाने पड़ेंगे सात पुरुषों के साथ, जो आपका 6 दिन के अंदर 45 एकड़ खेत जोता जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक के सारे प्रश्नों का सारांश। इस चैप्टर में टोटल आपके 32 क्वेश्चन थे, 3200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको कहीं से किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी आपका कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है डियर स्टूडेंट 76 20 17 56 76, यही मेरा कांटेक्ट नंबर भी है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है। IERT अथवा पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी क्वेरी या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का हल देने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।